पलक भाइयों, आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान पशुपालक भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे चमत्कारी फार्मूले के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं और इस फार्मूले से बढ़कर आज तक कोई फार्मूला तैयार नहीं हुआ है। अलग अलग तरीके YouTube पर लोगों ने निकाल लिए हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के, वो अलग अलग तरीके आजमाते हैं, कोई शुद्धता के नाम पर, कोई जड़ी बूटियों की मिलावट के नाम पर, कोई साफ़ सुथरी जड़ी बूटियों के नाम पर, कोई प्रोडक्ट के नाम पर, तो कोई अलग अलग फार्मूले, कोई कहता है कि मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, कोई कहता है मेरे को 25 सालों का एक्सपीरियंस है, कोई कहता है कि हमने ये ब्रांड बना रखी है, तो अलग अलग नाम पर लोग पैसा कमाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। हमें वीडियो बनाने के लिए किसी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जैसी भी जानकारी होती है आपके साथ समय समय पर शेयर करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूध बढ़ाने के लिए, पशु की लेवटी बढ़ाने के लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या पशुओं के साथ हो गई है कि पशु हीट में ही नहीं आते हैं। हम अच्छे अच्छे पशुपालक, हमारे जैसे अनुभवी पशुपालक के साथ भी ये समस्या रहती है, बहुत बड़े बड़े पशुपालक हैं, पुराने पुराने पशुपालक हैं, उनके साथ भी ये समस्या रहती है कि पशु हीट में नहीं आता है। पशु की बच्चेदानी भी ठीक है, उसमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, पशु ने अच्छे से डिलीवरी भी की थी, ना उसको कोई सफ़ेदा मवाद पस जैसी कोई शिकायत है, फिर भी पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो इतनी सब समस्याएं होती हैं। उसके बाद यदि पशु हीट में आ जाता है तो फिर वह रिपीटर बन जाता है, गैबिन नहीं ठहरता है, और यदि पशु को अंदर से चेक करवाया जाता है तो भी पशु के अंदर कोई समस्या नहीं मिलती है। इतनी सब परेशानियाँ एक पशुपालक को घेर लेती हैं। अब मान लीजिए पशु आपका गैबिन ठहर गया तो 7वें 8वें महीने में आपके सामने समस्या आ जाती है कि पशु फूल दिखाने लग जाता है, पीछा दिखाने लग जाता है, कुछ पशु तो बिना समय के ही गर्भपात कर जाते हैं, यानी कि समय से पहले बच्चे को जन्म दे देते हैं, तो इतनी सारी समस्याएं एक पशुपालक के साथ रहती हैं। और इन सब के लिए हमें अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और कई बार ये दवाइयां नुकसान भी कर जाती हैं और दूध को भी कम कर देती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी औषधि आपको बताएंगे जिसको यदि आप नियमित अपने पशु को खिलाएंगे तो आपके पशु का दूध बढ़ेगा, पशु हीट में आएगा, अच्छे से वह गैबिन ठहरेगा, आपका पशु कभी रिपीटर नहीं बनेगा, ना ही कभी वह फूल पीछा दिखाएगा, ना ही वह जेर की उसकी कोई समस्या होगी, और पशु अच्छे से डिलीवरी भी करेगा, ना ही उसकी बच्चादानी में, उसके शरीर में कभी कोई इन्फेक्शन बनेगा। और पशु, जहाँ तक हमारा मानना है कि इस दवाई को खिलाने के बाद आपका पशु बीमार भी कम से कम होगा, और इससे पशु को अंदरूनी ताकत मिलेगी, कैल्शियम मिलेगा, ताकत मिलेगी। तो इस दवाई का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, इसको पीली शतावर बोला जाता है। आपको करना क्या है, प्रतिदिन डेली अपने पशु को पीली शतावर की 100 ग्राम की मात्रा, यदि आपका पशु गैबिन नहीं है तो इसे गुड़ में मिलाकर खिला सकते हैं। 100 ग्राम गुड़ आपने लिया, एक लड्डू, और उसके अंदर 100 ग्राम शतावर मिला ली और उसको एक लड्डू सा तैयार किया और पशु को खिला दिया, पशु इसे बड़े चाव से खाता है। निश्चित है कि आपके पशु का दूध तीसरे चौथे दिन से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कोई भी पशु क्यों ना हो, ड्राई पशु हो या लंबे समय का ब्याया पशु हो या फिर ताज़ा ब्याया पशु हो, कैसा भी पशु क्यों ना हो, कम से कम इससे आपके पशु का 1 किलो दूध बढ़ेगा। यदि 1 किलो दूध की कीमत की हम बात करें तो 50 रुपये का 1 किलो दूध होता है, और शतावर की मात्रा की हम बात करें तो 100 ग्राम शतावर 35 से 40 रुपये में पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी आप खरीद सकते हैं। 400 रुपये किलो से 1 रुपये भी आपको ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई पंसारी आपको यूट्यूब के माध्यम से ठगने का काम करता है और कहता है कि मेरी जड़ी बूटियाँ साफ़ सुथरी हैं, शुद्ध हैं और ये बहुत अच्छी हैं, ये दूध बढ़ाती हैं, ये ऑर्गेनिक हैं, ये बहुत अच्छे से हमने तैयार की हैं, तो आप किसी की बातों में ना आए, इसको वहीं से खरीदें जहां पर आपको इसका ठीक रेट मिलता है। 400 रुपए से ऊपर 1 रुपए भी शतावर की कीमत नहीं है आज के दिन भारत में। तो 400 के भाव का शतावर यदि आप प्रतिदिन 100 ग्राम खिलाएंगे तो 40 रुपए का है, जबकि दूध आपका 50 रुपए का 1 किलो बढ़ गया, तो वहां से आपको जो है शतावर की कीमत वापस वसूल हो जाती है। और इस शतावर को खिलाने के इतने सारे फायदे हैं कि यदि लगातार आप इसको 100 ग्राम डेली खिलाएंगे तो 1 महीने का 3 किलो शतावर हो गया, 3 किलो शतावर 1200 रुपए का होता है, जबकि यदि आपके पशु ने 1 किलो दूध ज्यादा दे दिया तो पूरे महीने का 1500 से 2000 रुपए का
सूद उसने आपको ज़्यादा दिया है तो वहाँ से आपको शतावर के पैसे वापस मिल जाते हैं। और पशु का लंबे समय तक ड्राई होना, दूध कम देने लग जाना या फिर गैबिन होने के बाद तुरंत दूध से कम हो जाना, तो इन सब समस्याओं से भी आपको निजात मिल जाती है। और सबसे बड़ी जो समस्या आज के दिन है कि पशु के थन बंद पड़ने लग जाते हैं, पशु के थनों में रुकावट आ जाती है। 3 थन वाली गाय को, भैंस को भी इससे 4 थन वाला पशु बनाया जा सकता है। लगातार शतावर खिलाने से जो पशु के थन में दूध कम आने लग गया है या जो थन बंद हो गया है उस थन को भी खोलने का काम शतावर कर सकती है। तो इस तरीके से आप शतावर को खिलाकर बहुत ज़्यादा पशुपालक में फ़ायदा उठा सकते हैं। एक एक पशु से आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप पशुपालन करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।